गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6, चेंजेस अराउंड अस। हमारे आसपास में जो चेंजेस हो रहा है वो चेंजेस किस वजह से होता है या किस टाइप का वो चेंज है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे आइस है, बर्फ। अगर मैं बर्फ को यहाँ पे रख देता हूँ तो आप देखोगे कुछ समय बाद, कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगी, वो बर्फ पिघलनी स्टार्ट हो जाएगी। इट मीन्स जो सॉलिड है बर्फ, जो सॉलिड है आइस, वो क्या हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग पानी है। पानी को हम गर्म करते हैं, देन क्या क्या बनना स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें से भाप, उसके वेपर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मतलब चेंज हो रहा है कि जैसे लिक्विड है वो गैस में चेंज हो गई। ओके, सॉलिड था आइस, वो किस में चेंज हो गई, लिक्विड में चेंज हो गई। नेक्स्ट, जैसे पानी के अंदर हमने नमक को घोल दिया तो उसका भी जो टेस्ट है वो अलग हो गया। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, चेंज। पहले वो पानी था, अब पानी में हमने नमक को घोल दिया, साल्ट को डिजोल्व कर दिया, मिक्स करा दिया, देन उसका जो टेस्ट है वो चेंज हो गया। ओके, तो ये सारे क्या है, चेंजेस है कि किस टाइप से ये चेंजेस अराइज होते हैं। ठीक है, और इन चेंजेस को किस टाइप से हम डिफाइन करेंगे। तो देखो, फर्स्टली देखते हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स अंडरगोज चेंज। इन आवर डेली लाइफ वी ऑब्जर्व मैनी चेंजेस अराउंड अस। यस, हम अपने डेली लाइफ में रोज डेली चेंजेस देखते हैं अपने नियर बाय में। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए थे अभी, जैसे आपका जो क्लाइमेट है, मौसम है, वो भी तो चेंज होता रहता है। कभी बारिश होती है, कभी गर्मी ज्यादा होती है, कभी सर्दी हो जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या एक चेंज है। These changes can be observed by us at home, school, playground, garden, park and other places. ठीक है, इन चेंजेस को हम इन जगह पे देख सकते हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आइस मेल्ट ऑन हीटिंग। ऑफकोर्स आइस या बर्फ, बर्फ को अगर हम हीट करेंगे देन क्या हो जाएगी, वो मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। वाटर बॉइल्स ऑन हीटिंग, जो पानी है वो भी क्या होना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल, उबलना स्टार्ट हो जाता है जब उसको हम हीट करते हैं। आयरन रस्ट इन मोस्ट एयर, ठीक है। कॉमन साल्ट डिजोल्व इन वाटर, उसका भी टेस्ट चेंज हो जाता है। वेजिटेबल एंड पल्सेस चेंज ऑन कुकिंग, सब्जियां दालें भी क्या होती हैं, जैसे उसको हम कुक बनाते हैं तो उसका इट मीन्स वो भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मिल्क चेंज इन टू कर्ड, यस, मिल्क का, दूध का दही में चेंज होना। जर्मिनेशन ऑफ सीड, स्टार्टिंग में सीड थे, सीड से क्या बन गए, वो प्लांट बन गए, तो वो भी चेंज हो गया। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स का जो हम पकाते हैं, तो इट मीन्स पहले वो कच्चा फ्रूट था, अब उसको हमने पका दिया, देन वो उसका क्या हो गया, चेंज आ गया उस फ्रूट में भी। बर्निंग ऑफ LPG, केरोसिन ऑयल, ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, चेंज के। ठीक है, नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ चेंजेस। चेंजेस कैन बी क्लासिफाइड इन टू द फॉलोइंग 5 कैटेगरीज, ठीक है। मेनली जो चेंजेस है उनको 5 कैटेगरी में रखा गया है, क्लासीफाई किया गया है। तो फर्स्ट है स्लो एंड फास्ट चेंज। ओके, स्टार्टिंग में देखते हैं कि जो चेंज हो रहा है, कि जैसे बर्फ है, बर्फ आइस है, वो पानी के अंदर चेंज हो रही है, लिक्विड में चेंज हो रही है, तो वो प्रोसेस स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, ये देखते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल चेंज का मीनिंग क्या है, कि जैसे लिक्विड से सॉलिड बन गया, क्या उस सॉलिड से फिर दोबारा वो लिक्विड बन सकता है, अगर ऐसा है देन वो रिवर्सिबल हो गया। इरिवर्सिबल में ये हो जाएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मेरे पास लिक्विड है, लिक्विड को मैंने हीट किया, वो वेपर बन गई, अब क्या वेपर से फिर दोबारा वो लिक्विड बन सकता है, अगर बन सकता है देन रिवर्सिबल, अगर नहीं बन सकता देन इरिवर्सिबल। ओके, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस, ठीक है। कुछ चेंजेस क्या होते हैं, नेचुरल, प्रकृति के साथ चेंज होते रहते हैं, जैसे मौसम है वो अपने आप चेंज होते रहते हैं। ठीक है, मैन मेड चेंज, कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनको हम चेंज करा सकते हैं। ठीक है, पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज एक पर्टिकुलर वे में फिक्स टाइम के बाद क्या है कि वो ही प्रोसेस आ जाए, तो वो तो होगा पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक क्या होगा, नॉन पीरियोडिक में क्या होगा, एक फिक्स टाइम के बाद अगर वो चेंज
वो ही सब्सटेंस अगर हमें नहीं मिल पा रहा देन वो क्या हो जाएगा, नॉन पीरियोडिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे आगे हम, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, एक फिजिकल चेंज होता है, नेक्स्ट होता है केमिकल चेंज। तो फर्स्ट देखो यहाँ पे फाइव कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, तो फर्स्ट कैटेगरी देखते हैं इसकी क्या है, स्लो एंड फास्ट चेंज। सम चेंजेस अकर वेरी स्लोली, दिस स्लो चेंज मे टेक आवर डे मंथ और ईयर। ठीक है, कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो स्लोली होते हैं, और ये जो चेंज है ये कितना टाइम ले लेते हैं, आवर भी ले लेते हैं, डेज दिन भी ले लेते हैं, मंथ भी ले लेते हैं, और काफी बार ईयर भी ले लेते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज इन मोस्ट एयर। ठीक है, जैसे लोहा होता है आयरन, आयरन पे जंक लग जाता है। ठीक है, ग्रोविंग ऑफ मैंगो प्लांट फ्रॉम इट्स सीडलिंग, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास एक सीड है मैंगो का, उसको हम जैसे ग्रो करते हैं तो क्या उसका प्लांट या पेड़ बनने में काफी दिन लग जाते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट ऑन प्लांट, जो फ्रूट से जब प्लांट के ऊपर पकने में भी टाइम लगता है उनको। चेंजिंग मिल्क इंटू कर्ड आर ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ ए स्लो चेंज। तो ये जो चेंजेस है वो धीरे धीरे होते हैं, कि फ्रूट्स है वो एकदम तो पकते नहीं है, टाइम लगता है उनको पकने में। सीड से मैंगो जो ट्रीज बनते हैं उनसे भी, उनको भी क्या लगता है, टाइम लगता है बनने में, बड़ा पेड़ होने में टाइम लगता है। तो ये सारे कैसे चेंजेस हैं, स्लो चेंजेस है। नेक्स्ट देखते हैं फास्ट चेंज। ऑन द अदर हैंड सम चेंजेस अकर वेरी फास्ट, दीज चेंजेस कैन अकर विद इन सेकेंड और मिनट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस। ठीक है, जैसे हम गैस को जलाते हैं तो अगर उसको हम थोड़ी सी भी फायर दिखा देते हैं तभी वो क्या कर जाती है, जलना स्टार्ट कर जाती है। तो वो किस टाइप का चेंज है, फास्ट चेंज है, इट मीन्स सेकेंड में ही हो जाता है वो। तो फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस, चेंजिंग ऑफ आइस इंटू वाटर। यस, आइस को अगर हमें वाटर में चेंज करना है, तो देखो आइस को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होती है, वो जल्दी ही किस में चेंज हो जाती है, वाटर के अंदर चेंज हो जाती है। कटिंग ऑफ एन एप्पल इंटू पीसीज, एप्पल को जब हम कट करते हैं तो कट करने में कितना टाइम लगता है, सेकंड में कट हो जाएगी वो। एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, क्रैकर्स मीन्स जो हम दिवाली के टाइम पे जो पटाखे वगैरह चलाते हैं उनको भी कितना टाइम लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ब्लास्ट होने में। ये किस टाइप के चेंज है, फास्ट चेंज है। ओके, नेक्स्ट है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। इफ ए चेंज कैन बी रिवर्स इट इज कॉल्ड ए रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, कोई भी अगर चेंज रिवर्सिबल है, कि जैसे स्टार्टिंग में जो हमारे पास प्रोडक्ट था और लास्ट अगर हमें लास्ट में भी वही प्रोडक्ट मिल जाता है, देन वो किस टाइप का चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। देखते हैं, हेयर द प्रोडक्ट आफ्टर चेंज कैन बी ट्रांसफर्ड इन टू देयर ओरिजिनल फॉर्म। यस, कोई भी हमारे पास प्रोडक्ट है अगर उसको चेंज होने के बाद फिर दोबारा वो अगर ओरिजिनल पोजिशन में आ जाता है, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, तो उस टाइप के चेंज को हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल चेंज कहेंगे। ठीक है, आइस चेंज इंटू वाटर ऑन हीटिंग वेयर एज वाटर चेंज इंटू आइस ऑन कूलिंग। यस, तो रिवर्सिबल का एग्जाम्पल कौन सा हो गया, जैसे स्टार्टिंग में हमारे पास आइस है, बर्फ है। ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में हीट कर रहे हैं, तो आपको पता है आइस को हीट करेंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, वो लिक्विड पानी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पानी है, पानी को अगर हम फ्रीज करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं, इट मीन्स कूलिंग करते हैं, तो क्या होती है, फिर दोबारा वो आइस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हमारे पास आइस आइस थी और लास्ट में भी हमें क्या मिल गई, आइस मिल गई, तो वो किस टाइप का चेंज हो गया, रिवर्सिबल चेंज हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ई रिवर्सिबल चेंज। इफ ए चेंज कैन नॉट बी रिवर्स इट इज कॉल्ड एन ई रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, अगर कोई भी प्रोडक्ट है अगर हम चेंज होने के बाद हमें वो उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिल पाता, देन उस टाइप के चेंज को हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल चेंज बोलेंगे। देखो, हेयर द प्रोडक्ट कैन नॉट बी चेंज टू देयर ओरिजिनल फॉर्म, बर्निंग ऑफ कोल, ग्राइंडिंग मेज ग्रेन इनटू फ्लोर। जैसे कोयल है, जो कोयला होता है उसको अगर हम बर्न जलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो फिर दोबारा तो उसको कोयल नहीं बना सकते। नेक्स्ट है जैसे आटा है, गेहूं से जैसे हम आटा बनाते हैं, तो क्या आटे को फिर दोबारा गेहूं बना सकते हैं, नो, नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो ये किस टाइप के चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है।
फॉलिंग ऑफ लिविंग फ्रॉम द लीव्स फ्रॉम द ट्रीज, पेड़ से जब पत्ते गिरते हैं तो क्या दोबारा वो पत्ते सेम वही पत्ते पेड़ पे लग जाते हैं, लग सकते हैं? नहीं लग सकते, ठीक है। तो वो किस टाइप का चेंज हो गया? इरिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है। एजिंग आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। जैसे आपकी एज है, अब आपकी एज अराउंड कितनी होगी, 12 ईयर, और आफ्टर 3 ईयर्स के बाद क्या तुम्हारी एज दोबारा वापस आ सकती है? ये वाली नहीं आ सकती, ओके। तो वो कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। नेक्स्ट देखते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड चेंजेस। द चेंज विच आर ब्रॉट अबाउट बाई नेचर इट सेल्फ आर कॉल्ड नेचुरल चेंज, ठीक है। कुछ चेंजेस ऐसे हैं जो किसके थ्रू आते हैं, नेचर, जो हमारी प्रकृति है उसके थ्रू ही आते हैं, ठीक है। उस टाइप के चेंजेस को क्या बोलते हैं? नेचुरल चेंज। वो अपने आप होते हैं, इट सेल्फ। दीज चेंजेस आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ मैन। चेंज ऑफ सीजन, ठीक है। जैसे सीजन चेंज होते हैं, सर्दी गर्मी, जो बारिश का जो रेनी सीजन आता है वो अपने आप चेंज होता रहता है। टाइड्स इन द सीज, समुद्र के अंदर जो तूफान सा आता है, टाइड्स आते हैं, तो वो भी किस टाइप का चेंज है? नेचुरल चेंज है। एजिंग ऑफ प्लांट, प्लांट का धीरे धीरे अपने आप ग्रो करना, वो भी क्या है? नेचुरली है। लैंडस्लाइड आर द फ्यू एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल चेंज। लैंडस्लाइड, जो हमारी धरती है वो क्या होती है? स्लाइड, कट जाती है। जो हमारी धरती है वो या रेत का कटना क्या कहलाता है? लैंडस्लाइड कहता है। द चेंज विच आर ब्रॉट अबाउट बाई मैन इट इज कॉल्ड मैन मेड चेंज, ठीक है। अगर कोई चेंज है वो किसके थ्रू लाया जा रहा है? मैन के थ्रू लाया जा रहा है, देन उस टाइप के चेंज को क्या बोल देंगे? मैन मेड चेंज। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं उसके लिए। दीज चेंजेस आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन, ठीक है। इन ये जो चेंज है उसको कंट्रोल कौन करता है? कौन करता है कंट्रोल? मैन। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। जैसे हम दही जमाते हैं ना, दूध, दूध से क्या बन जाते हैं? दही जमाते हैं। तो कौन जमाते हैं? हम ही जमा पाते हैं, मैन मेड है वो, ठीक है। बर्निंग ऑफ फ्यूल, पेट्रोल को जलाते हैं, ठीक है। तेल को जब हम जलाते हैं तो कौन जलाते हैं? हमारे थ्रू ही जल पाता है, अपने आप तो जलेगा नहीं। कटिंग नेल्स, जैसे हमारे नाखून हैं उनको हम कट करते हैं, ठीक है। स्विचिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक फैन, अभी फैन बंद है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं अपने आप वो चलने लग जाएगा, अगर हमें फैन को चलाना है तो उसके पास जाके स्विच को ऑन करना पड़ेगा तभी वो चल पाएगा। तो ये सब चेंजेस किस टाइप के हैं? मैन मेड चेंजेस है। कि नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ है पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंजेस। पीरियोडिक चेंजेस आर इवेंट दैट रिपीट देमसेल्फ आफ्टर ए सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। देखो पीरियोडिक चेंज में क्या बोला है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद वो ही चीज़ दोबारा आ जाए, ठीक है। कोई हमारे पास सब्सटेंस है, प्रोडक्ट है, अगर वो फिक्स टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद अगर दोबारा ही वही सब्सटेंस या प्रोडक्ट हमें मिल जाता है, तो उस टाइप के चेंज को हम क्या बोल देंगे? पीरियोडिक चेंज बोल देंगे। जैसे अर्थ है, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, द अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, हैंस डे एंड नाइट ऑफ सीजन आर एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज क्या है? देखो जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस के अराउंड इन दिस वे, ठीक है। इन दिस वे ये अर्थ मान लेते हैं, ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ठीक है। अब अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है तो आपको पता है कि अर्थ मॉर्निंग भी होती है और इवनिंग भी होती है, ठीक है। डे भी होता है और नाइट भी होता है। और नेक्स्ट थिंग आपको ये भी पता है कि जैसे अब 8 o'clock हो रहे हैं, ठीक है, मॉर्निंग, तो अब क्या है? दिन है। आफ्टर 12 आवर, 12 घंटे बाद फिर दोबारा 8 o'clock बजेंगे, ठीक है। तो एक फिक्स इंटरवल हो गया ना कि 12 घंटे के बाद फिर दोबारा 8 o'clock हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस टाइप का चेंज हो गया, पीरियोडिक चेंज हो गया, ओके। नेक्स्ट देखो, चेंजेस दैट डू नॉट अकर अगेन आफ्टर ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। उसको क्या बोल देंगे? नॉन पीरियोडिक चेंज बोल देंगे। यह सेम है, जैसे कोई प्रोडक्ट है हमारे पास, अगर वो एक फिक्स टाइम के बाद दोबारा उसी पोजीशन में नहीं आ पा रहा है, टाइम की बात हो रही है यहाँ पे, फिक्स टाइम की बात, ठीक है। पीरियोडिक में हमने देखा था कि वहाँ पे जो टाइम है वो फिक्स था,
जैसे मैंने बोला था कि 12 आवर के बाद फिर दोबारा 8 o'clock हो जाएंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या है, नॉन प्रोडक्ट में वो नहीं हो पाता उस टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे वो चेंज नहीं हो पाता, देन उस टाइप के चेंज को हम क्या बोल देंगे, नॉन पीरियोडिक। जैसे इफ देर इज एन अर्थक्विक और वोल्केनिक इरप्शन टूडे, द नेक्स्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे आज अर्थक्विक आया, इट मीन्स भूकंप आया, या वोल्केनिक इरप्शन जिसे हम ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है, वो आया, तो हम नेक्स्ट ये नहीं बता सकते कि नेक्स्ट डे अर्थक्विक कब आएगा, ठीक है। उस चीज को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि जो वोल्केनिक इरप्शन है, ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी विस्फोट कब होगा या भूकंप कब आएगा, हम नहीं बता सकते नेक्स्ट, ठीक है। तो ये किस टाइप का चेंज हो गया, नॉन पीरियडिक चेंज हो गया, कि उसमें हमें एक फिक्स इंटरवल नहीं पता टाइम का, स्पेसिफिक टाइम नहीं पता कि इस टाइम पे अर्थक्विक आएगा या वोल्केनिक इरप्शन आएगा। सच चेंजेस आर कॉल्ड नॉन पीरियडिक चेंजेस। इस टाइप के चेंज को हम क्या बोल देते हैं, नॉन पीरियडिक चेंज बोल देते हैं। ओके, इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाय डियर स्टूडेंट्स।